विधानसभा उपाध्यक्ष हिना कांवरे के साथ हुई सड़क दुर्घटना को सामाजिक न्याय मंत्री लखन घनघोरिया ने दुखद हादसा बताया है। साथ ही घटना में पुलिस कर्मियों की मौत पर शोक जाहिर किया है। मंत्री लखन घनघोरिया से जब पूछा गया कि क्या उन्हें हादसे के पीछे कोई साजिश लगती है, तो उन्होंने कहा कि विधानसभा उपाध्यक्ष हिना कांवरे के पिता लिखीराम कांवरे की नक्सलियों द्वारा हत्या की गई थी, लेकिन इस घटना को भी हत्या की साजिश से जोड़ना अभी जल्दबाजी होगी। बहरहाल मामले की जांच की जा रही है। अब इसकी वस्तु स्थिति हम लोगों को पता नहीं है। अभी तक तो यही समझ में आया कि कोई दुर्घटना हुई, और दुर्घटना हुई तो दुखद है ना। ईश्वर का शुक्र है कि हिना कांवरे जी बच गई, लेकिन जो लोग उनकी सुरक्षा व्यवस्था में लगे थे वो यदि दुर्घटना में उनकी मौत हुई तो भगवान उनकी आत्मा को शांति दे, और उनको सरकार भी अपनी तरफ से मुआवजा देगी उनके परिजनों को। इसकी पूरी जांच कराएंगे हम लोग कि क्या वास्तव में दुर्घटना है कि कोई साजिश है। अभी तक के जितनी चीज़ें सामने आई हैं वो दुर्घटना की। लेकिन राम कांवरे जी कांग्रेस के बहुत अच्छे नेता थे, और सभी को मालूम है कि वो नक्सली हमले में मारे गए थे। क्योंकि वो एक हादसा हुआ इसलिए उस हादसे से जोड़ के अभी चले बगैर किसी आधार के, तो ये उचित नहीं होगा। पहले पूरी जांच हो जाने दी।